हेलो बच्चों, आइए आज हम शुरुआत करेंगे प्रोबेबिलिटी की, प्रायिकता जिसे कहा जाता है प्रोबेबिलिटी। तो जरा बहुत ध्यान से आप बच्चों को सुनना है, प्रायिकता मेरे बच्चों क्या है जरा समझो। प्रोबेबिलिटी यानी इसे कहा जाता है प्रायिकता। तो सबसे पहले हमें यह क्लियर करना होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रायिकता क्या है जरा समझो। प्रोबेबिलिटी क्या है? एक मेजरमेंट है, एक नंबर है जिससे हम ये महसूस करते हैं, हम ये फील करते हैं कि ये चीज हो रही है, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है। बेटा इसको जरा समझिएगा, थोड़ा सा थ्योरी क्लियर करिए, उसके बाद हम बात करेंगे। आज के वाला आपको कुछ फॉर्मूले लिखाएंगे और उस फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। ये हमारा पहला लेक्चर है, फिर आगे भी आपको लेक्चर मिलेगा। तो चलिए यहां पर सबसे पहले आपको बता दें, प्रोबेबिलिटी एक नंबर है जिससे हम मेजर करेंगे। उसको समझाने के लिए मैंने एग्जांपल बनाया, एक यहां पर हमने मेज रखा है, समझो एक एग्जांपल दे रहे हैं। एक क्लासरूम है जहां पर एक मेज है हमारे सामने, मान लीजिए मेज और एक बड़ी क्लासरूम है, और हमने तीन लोहे के टुकड़ों को रख दिया, एक ए है और दूसरा बी है और तीसरा हमारा पीस सी है। ये तीन आयरन पीसेस है। अब जरा मुझे ये बताइए, अगर मैंने आप बच्चों से पूछा कि इन तीनों लोहे के टुकड़ों को कुछ अमाउंट में गर्म कर दिया गया है, फिर से समझिएगा, इन तीनों लोहे के टुकड़ों को कुछ अमाउंट में गर्म कर दिया गया है, और मैंने क्लास में बच्चे बैठे मान लीजिए 60, एक बच्चे को उठाया और बोला कि बेटा ये जो तीन लोहे के टुकड़े हैं यहाँ पे मेज में रखे हुए, और तीनों को मैंने कहा बेटा टच कीजिए और मुझे बताइए तीनों में सबसे ज़्यादा गर्म कौन है। उस बच्चे ने जैसे ही टच किया तीनों को, और तीनों को टच करने के बाद बताने लगा कि सर, मैंने कहा आपने बताओगे, जितने ये 59 बच्चे बैठे हैं ये बताएंगे कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन गर्म है। तो बच्चा कह रहा है सर ये कैसा क्वेश्चन, टच मैंने किया है तो मैं ही बता पाऊंगा। बिल्कुल सही बात है, आप इस बात को बिल्कुल समझिए। एक दूसरे बच्चे को और बुलाया उस बहस से, मैंने कहा कि आओ बेटा तुम भी इन तीनों लोहे को टुकड़ों को टच करो और मुझे बताओ तीनों में सबसे ज़्यादा कौन गर्म है। उसने भी टच किया, बताने जा रहा था, मना कर दिया। लेकिन अगर मैंने कहा ये जितने 58 बच्चे बैठे हैं ये सब बताएंगे, तो कैसे बता पाएंगे यार जो टच कर रहा है। भाई आप रसगुल्ला खा रहे हो एग्जाम्पल के लिए, तो मज़ा तो आप ही ले रहे हो ना, उसमें क्या है उसके लिए जानकारी है, वो कैसा है उसके लिए सभी को उसको खाना होगा। यानी यहाँ पर इस उदाहरण को जरा समझिए, क्या समझाना चाह रहे हैं, ये समझाना चाह रहे हैं एक एक बच्चे को आना पड़ेगा, एक एक स्टूडेंट को आना पड़ेगा, तीनों को टच करना पड़ेगा, और जब तक अगर वो बताएंगे, अगर मैंने मना किया हर एक बच्चे को बताने के लिए, तो आपको ये पता तभी चल पाएगा जब उनमें से कोई बताएगा बिना टच किए हुए। हम कह रहे हैं या तो टच कर लो तो पता चल जाएगा कौन गर्म है, या उन तीनों से पूछ लो, मतलब उन लोगों से पूछ लीजिए। तो वैसे यहां पर ये ध्यान रखिए, अगर मैंने एक ऐसा तरीका है, मेरे पास एक ऐसा स्टाइल है जिससे हर एक पूरे वर्ल्ड में हर एक व्यक्ति को ये पता चल जाएगा इन तीनों में सबसे ज्यादा गर्म कौन है, उसका तरीका क्या है। देखिए एक नंबर दे रहे हैं, मैंने कहा इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, ये 20 डिग्री सेल्सियस है और ये 80 डिग्री सेल्सियस है, बताइए कौन सबसे ज्यादा गर्म है। सी ब्लॉक सबसे ज्यादा गर्म है। कैसे कह दिया आपने सबसे ज्यादा गर्म है, क्योंकि यहां पर आपको कैसे पता चल रहा है कि यह सबसे ज्यादा गर्म है, इस नंबर से, इस न्यूमेरिकल वैल्यू से आपको फील हो रहा है कि ये वाला जो है ब्लॉक है सबसे ज्यादा गर्म है मेरे बच्चों। तो ये एक नंबर से महसूस कर रहे हो आप, एक नंबर से मेजर किया जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल, 60 बच्चे किसी क्लास में बैठे हैं, मैंने उसमें एक टेस्ट कराया, किसी बच्चे के 60 में 3 नंबर हैं, किसी बच्चे के 90 मार्क्स हैं, किसी के 57 है आउट ऑफ 100, और एक स्टूडेंट उसके 64 है आउट ऑफ 100, और एक लास्ट एक और स्टूडेंट 98 मार्क्स है आउट ऑफ 100। सर ये तो 5 स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5, 5 स्टूडेंट ने मेरे पास, टोटल 60 बच्चों का टेस्ट लिया गया जिसमें 5 की डिटेल, बाकी 55 की नहीं लिखी है, लेकिन ये 5 की जो लिस्ट है इसमें वो लिस्ट शामिल है 2 जिसमें हाईएस्ट मार्क्स हैं स्टूडेंट के और सबसे लो मार्क्स। अगर मैंने आप बच्चों से पूछना चाहा कि जरा मुझे ये बताइए इन सारे 60 बच्चों में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है, तो आप क्या कहोगे,
98 जिसके मार्क्स हैं वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। क्या कभी आपकी मुलाकात हुई इससे? नहीं मुलाकात हुई, लेकिन फिर भी आप बता रहे हो ये सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। कैसे पता चल रहा है यार? इस नंबर से, इस न्यूमेरिकल वैल्यू से पता चल रहा है ये सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। अगर मैंने कहा सबसे ज्यादा वीक स्टूडेंट कौन सा, आपने कहा 3 मार्क्स वाला, कैसे पता चला? आपको कभी इससे मुलाकात की? नहीं, लेकिन उस नंबर से महसूस हो रहा है। तो बेटा मेरे बच्चों, मैं ये समझाना चाहता हूं, आप बच्चों को ये समझाना चाह रहे हैं कि एक नंबर से आप उस चीज को फील कर रहे हो। जैसे टेम्परेचर को नापने के लिए क्या है, आपने टेम्परेचर को नापने के लिए डिग्री सेल्सियस जो भी दे रहे फारेनहाइट, तो ये आपने कहा किसी को बुखार है, कहां से पता चलता है? उस नंबर ही से तो महसूस करते हो। आपने जो थर्मामीटर उससे लगाया और उससे चेक किया, कैसे पता चलेगा किसी को बुखार है? उसका जो नंबर होगा उस न्यूमेरिकल वैल्यू से ही आप महसूस करते हो। तो कहने का मतलब, इस दुनिया में हर चीज को मतलब मेजर करने के लिए, कोई चीज महंगी है कैसे पता चल रहा, वो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बताएंगे तभी तो कहोगे। तो कहने का मतलब, हर चीज को मेजर करने के लिए एक नंबर की जरूरत पड़ रही है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत पड़ रही है। वैसे ही प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी मतलब कोई चीज होगी उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, उसके क्या चांसेस हैं, उसको जिस नंबर से महसूस किया जाएगा उसी को हम नाम दिया जाएगा प्रोबेबिलिटी। और ये प्रोबेबिलिटी मेरे बच्चों 0 से 1 के बीच में होंगे। अब इसको जरा फील करना होगा, 1 क्या, कौन सा नंबर है, 1 क्या है भाई? जैसे मैंने कहा कोई चीज 100% होना है, 100% को हम कहते हैं 1, प्रोबेबिलिटी 1, 100% का मतलब पक्का है वो चीज होनी है। एग्जांपल के लिए मैंने कहा कल सुबह 10 बजे उजाला होगा, तो ये कंफर्म है, जो सन है वो निकले ना निकले, सूरज निकले ना निकले, लेकिन ये कंफर्म है उजाला होगा, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो मेरे बच्चों 1 होगी। मैंने कहा ये मार्कर है, इस मार्कर को हम नीचे छोड़ने जा रहे हैं, इसे नीचे छोड़ रहे हैं, अगर इसे नीचे छोड़ रहे हैं तो ये नीचे की ओर जाएगा, तो ये कंफर्म है नीचे की ओर जाएगा, तो इसको एक नंबर दिया गया 1। यानी कभी कोई चीज हो रही है उसके होने की जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी, उसको एक नंबर दिया गया 1। और कोई चीज नहीं होगी, कंफर्म है नहीं होगी, एग्जांपल के लिए मार्कर है वो छोड़ने पर ऊपर की ओर जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो कोई चीज जितना 1 के करीब, अरे भाई मैंने किसी स्टूडेंट से पूछा कितना समझ में आया तुमने, उसने कहा 20%, इसका मुझे लगा कि वो फालतू बैठा क्लास में, कुछ समझ ही भी नहीं आया। किसी बच्चे से पूछा कितना समझ में आया, यानी 95%, यानी थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया, इसका मतलब उस नंबर से ही तो आप महसूस कर रहे हैं। तो वैसे ही ये चीज आपके लिए भी परसेंटेज में बात हो रही थी, अब एक नंबर से बात होगी जिसको हम प्रोबेबिलिटी कहेंगे। और प्रोबेबिलिटी ध्यान रखे एक मेजरमेंट है, कोई चीज हो रही है उसके होने की जो पॉसिबिलिटी है, उसका जो चांस है वो क्या है, उसको जिस नंबर से महसूस करेंगे उसी को हम उसकी क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी। अब बात आती इवेंट की। प्रोबेबिलिटी में एक बहुत फेमस फंडा है इवेंट, यानी इसको कहेंगे घटना। अब आपने कहा मान लीजिए कोई टकरा गया तो ये घटना हो गई मेरे साथ। बेटा ये जो घटना वर्ड प्रयोग कर रहे हैं, इवेंट प्रयोग कर रहे हैं, यहां पर प्रोबेबिलिटी में इसका अलग मतलब है। प्रोबेबिलिटी घटना का मतलब होता है जिसके होने ना होने के बारे में बातचीत कर रहे। एक क्वाइन को उछालोगे, किसी ने कहा हेड आएगा, तो जो आने की बात कर रहे हैं ये चीज होगी, जिसके बारे में बात कर रहे हैं पॉसिबिलिटी, उसकी जो जो जिसके बारे में होने ना होने के बारे में बात करें उसको हम इवेंट कहेंगे। और इवेंट को ध्यान रखना कैपिटल एक्स लेटर्स, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल कोई भी कैपिटल लेटर से आप अंग्रेजी का कोई भी अंग्रेजी का अक्षर लिख दीजिए, उससे डिनोट किया जाता है। इतनी बात क्लियर करिए कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है मेरे बच्चों। हर चीज को इस दुनिया में हर चीज को क्या मेजर करने के लिए एक नंबर की जरूरत पड़ रही है। वैसी कोई चीज हो रही है, हम बातचीत कर रहे हैं उसके होने के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको एक नंबर से महसूस करो। सर नंबर से कैसे फील करेगा? अरे जितना 1 के करीब होगा इसका मतलब उसके होने का चांस उतना हाई है, तो 0-1 के बीच में होगा, ये पॉजिटिव रहेगा हमेशा, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है। और एक फ्रैक्शनल वैल्यू होगी जो कि 0 से 1 के बीच में होगी। ठीक, क्लियर होना चाहिए बेटा। तो इस बात का कंसेप्ट क्लियर करिए। अब इस पर फॉर्मूले पर क्वेश्चन कैसे होंगे वो सब हम आपको बताएंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम केवल आपको कुछ ऐसे फॉर्मूले बताएंगे जिनके लिए कोई प्रोबेबिलिटी की थ्योरी पढ़ना जरूरी नहीं है। आपको प्रोबेबिलिटी की थ्योरी नहीं मालूम है लेकिन केवल ये फॉर्मूले मालूम है, तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। तो आइए उन क्वेश्चन पर भी विचार करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहां पर मैंने आपको जो बताया है इसको जरा ध्यान दीजिए। पी ए का मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी, इस इवेंट ए के अकर करने की प्रोबेबिलिटी। पी का मतलब होता है, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी,
इस इवेंट ई के अकर करने की प्रोबेबिलिटी। तो एक फॉर्मूला जनरेट होगा, वो हम बाद में बताएंगे आपको। आज की क्लास में केवल, आज के लेक्चर में केवल हम कुछ फॉर्मूले लेकर आए हैं, वो फॉर्मूले जरा आप जल्दी से देखिए और नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। बाकी क्या है इनकी डिटेल ये बाद में बताया जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी बेटा ध्यान दीजिए, किसी को कैसे निकालोगे वो अभी हम बताएंगे, लेकिन अभी कुछ फॉर्मूले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से मेरे बच्चों नोट करिए फटाफट। पहला, फर्स्ट फॉर्मूला, पी ए यूनियन बी। और अभी हम आपको एक जेई एडवांस 2017 का भी क्वेश्चन बताएंगे, बहुत ही गजब क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मोर देन वन में भी करेक्ट। एक सेक्शन होता है IIT में जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो पहले लिखिए फॉर्मूला, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी माइनस दोनों के एक साथ अगर करने की प्रोबेबिलिटी। बेटा इस फॉर्मूले को आप अच्छे से नोट करिए। पहला क्या होगा, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की अगर करने की प्रोबेबिलिटी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा ही एक आपने सेट थ्योरी में भी पढ़ा है। चलिए, और नंबर सेकंड होगा पी ए इंटरसेक्शन बी बार। तो ये बी बार का मतलब क्या हुआ, देखो बेटा, एक होता है ए के अगर होना, पी ए का मतलब ए के अगर होने की प्रोबेबिलिटी, और ए बार लगा दोगे ए डैश या ए बार या ए सी, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ई, यानी ए की पूरा घटना का मतलब है। जैसे मैंने कहा ए होगी तो पी ए से, और ए नहीं होगी उसे पी ए बार से। तो ये चाहो तो आप कहीं पर लिख सकते हो कोने में, पी ए प्लस पी ए बार दोनों का समीशन वन होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कोई स्टूडेंट पास होगा, उसका चांस 20% है, पास होने का चांस अगर 20% है तो फेल होने का चांस क्या होगा, 80%। यानी आपने 100 में ही तो माइनस किया, तो वैसे किसी के होने की प्रोबेबिलिटी पी है, तो बाकी बचा हुआ क्या है, उसका ना होना है। ठीक है, होना और ना होना का जो समीशन होगा वो वन के इक्वल होगा। पी ए बार से दिखाते हो या ए डैश लिखते हो या ए की पावर सी, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए कहेंगे। ठीक, तो यहां पर इसे नोट करिए, पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा फॉर्मूला होगा मेरे बच्चों, पी ए इंटरसेक्शन बी फॉर्मूला होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ए की प्रोबेबिलिटी माइनस दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। जल्दी से नोट करेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी बार का मतलब जिसमें बार नहीं लगा है उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, नोट कर लीजिए। नंबर थर्ड, इसी प्रकार पी ए इंटरसेक्शन बी और ए बार, तो इसमें क्या होगा बोलो, जिसमें बार नहीं लगा है तो इसका मतलब बी के अगर करने की प्रोबेबिलिटी माइनस दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, ये नोट कर लीजिए। नंबर फोर्थ, पी ए इंटरसेक्शन बी बार, देखो दोनों जगह बार लगा है, दोनों ना हो तो इसको लिखेंगे वन माइनस पी ए यूनियन बी, नोट कर लीजिए ए यूनियन बी। नंबर फाइव, जैसे मैंने लिखा है पी ए बार यूनियन बी बार, तो यहां पर यूनियन है तो वन माइनस उल्टा हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका उल्टा होगा, बार है तो बार हटा दीजिए। ठीक, क्लियर करिए। नंबर सिक्स, इसका मतलब होता है, ये होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसका क्या मतलब है जरा फील करो, पी ए बाई बी क्या होगा जरा समझो, अरे पी ए बाई बी का मतलब क्या हुआ, आपने समझा ए और बी क्या है, यहां पे लिख दीजिए इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स, ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स, ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स, ए तथा बी दो, कोई दो घटनाएं, कैपिटल ए तथा कैपिटल बी कोई दो घटनाएं। तो बेटा ध्यान दीजिए, यहां पर ए बाई बी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप दो नंबर को डिवाइड करते हो तो ये फ्रैक्शन हो गया, इसका मतलब समझ में आता है। अब ये दो इवेंट इनका डिवीजन क्या होगा जरा समझो, अरे डिवाइड का मतलब नहीं, यहां पे डिवाइड नहीं, कोई दो इवेंट्स का नहीं, एक सिंबल है। जैसे आपने ये पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा वेलोसिटी ऑफ ए, तो इसको क्या पढ़ा जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब यू आर रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी और इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी बी का वेग ए के सापेक्ष। तो ये आपने फिजिक्स में पढ़ा है, वो एक सिंबल है, वैसे ये भी एक सिंबल है, इसका मतलब डिवाइड नहीं है, इसका मतलब ये हुआ है, जो नीचे लिखा हुआ है हम ये कहना चाहते हैं, अगर ये इवेंट हो जाती है तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी, अगर ये इवेंट हो जाती है मेरे बच्चों, तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी को ही हम क्या कहेंगे, पी ए बाई बी।
ये ध्यान रखना, इसको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर ये इवेंट हो जाएगी तो ए के होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसी को हम कहेंगे पी ए बाई बी। नोट कर लीजिए, पी ए बाई बी का मतलब हुआ कि अगर हमारी बी इवेंट हो जाएगी तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है ना, क्लियर है बेटा। एग्जाम्पल के लिए कंडीशनल प्रॉबिलिटी, जैसे मैंने कहा बारिश होगी तो किसी भी डे में बात कर रहे हैं, लेकिन जुलाई का महीना चल रहा है, बारिश होगी, तो ये जरा समझना बेटा, इसका मतलब होता है कंडीशनल प्रॉबिलिटी, यानी अगर ये चीज हो जाएगी तो इसके होने की प्रॉबिलिटी। तो सिंपल सा स्टाइल जरा ध्यान दीजिए, जिस स्टाइल से मैं बोल रहा हूं उस स्टाइल से इसको याद कर लीजिएगा। दोनों के इंटरसेक्शन की प्रॉबिलिटी, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रॉबिलिटी, मेरे बच्चों दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइड में होगा नीचे जो लिखा है उसकी अगर करने की प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला नोट कर लीजिए, फिर से सुनिए, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो नीचे लिखा है उसकी अगर करने की प्रोबेबिलिटी। नंबर सेवन, पी बी बाई ए का मतलब हुआ, पी बी बाई ए का मतलब यह हुआ दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड में पी बी पी ए, ये ध्यान रखना दोनों के इंटरसेक्शन। और हम ध्यान रखिए, बी इंटरसेक्शन ए लिखो चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखो, बात वही है, ए इंटरसेक्शन बी की आपकी आदत हो गई है इसलिए उसे ए इंटरसेक्शन बी लिखें। देखो आदत का मतलब ये हुआ जो आपकी हैबिट हो गई, आप राइट हैंड से खाना खा रहे हैं तो आपकी आदत राइट हैंड से हो गई, आप लेफ्ट हैंड से भी ऐसा नहीं खा सकते, लेकिन अगर हैबिट बन गई है तो वही अच्छा लगता है। तो वैसे यहां पर भी हमें ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, तो ये बात वही है, ये बी इंटरसेक्शन ए लिखो चाहे ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको हमने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी। मेरे बच्चों ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर हो गया, ये हो गया बेटा। नंबर एट होता है पी ए बार डिवाइड में बी, इसका मतलब ये हुआ वन माइनस, अब ए बार हटा दो ऊपर से, ए बाई बी। इसी तरह से नाइन्थ होगा पी बी बाई ए, यानी बी बार अपॉन ए, तो इसको लिखें वन माइनस पी बी बाई ए। ये नोट कर सकते हैं आप, बहुत ही गजब के हमारे फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले पर एक नज़र डालिए, बहुत ही कमाल के फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले पर बेटा जल्दी से नज़र डाल दीजिए एक बार और बहुत अच्छे से समझिएगा। सारे फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिख दिए गए हैं, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और पी ए इंटरसेक्शन बी बार, इसमें क्या ध्यान रखना है, इंटरसेक्शन है, एक पे बार लगा, जिस पे बार नहीं लगा उसको लिखो पी ए, और फिर दोनों के इंटरसेक्शन की प्रॉबिलिटी। इसी तरह से पी ए बार इंटरसेक्शन बी, जिस पे बार नहीं लगा उसकी प्रॉबिलिटी माइनस दोनों के इंटरसेक्शन की प्रॉबिलिटी। यहां पर दोनों पे बार लगा है तो ये इंटरसेक्शन है, तो वहां यूनियन लिख देना और बार हटा देना। यहां पर देखिए, यहां पर क्या है मेरे बच्चों, बार लगा, बार हटा देंगे और यूनियन की जगह इंटरसेक्शन हो जाएगा। और ए बाई बी का मैंने तरीका बता दिया, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रॉबिलिटी डिवाइड में जो लिखा है उसकी प्रॉबिलिटी। और अभी हम इन सारे फंडे जो जितने भी आपको फॉर्मूले बताए गए हैं इन पर क्वेश्चन देने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन लिखे और मुझे इसका आंसर बताइए जल्दी फटाफट। क्वेश्चन कह रहा है इफ ए एंड बी, यदि ए तथा बी आर टू इवेंट्स सच दैट, टू इवेंट दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि, यदि ए तथा बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ए इज इक्वल टू वन बाई थ्री, पी बी इज इक्वल टू वन बाई टू, एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आपको दिया है वन बाई ट्वेल्व, तो देन फाइंड, जल्दी से मुझे फाइंड करके दिखाइए पी ए यूनियन बी। जल्दी से मेरे बच्चों, जल्दी फटाफट बहुत तेजी से इसको सॉल्व करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन में लिखा है ए तथा बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ए इज इक्वल टू वन बाई थ्री और पी बी इज इक्वल टू वन बाई, सॉरी पी ए इज इक्वल टू वन बाई थ्री, पी बी इज इक्वल टू वन बाई टू, एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू वन बाई ट्वेल्व, देन फाइंड पी ए इंटर यूनियन बी। तो कितना ईजी क्वेश्चन है बेटा, देखो कितना ईजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ए और बी दो घटनाएं हैं और इस प्रकार है कि पी ए आपका 1 बाई थ्री है और पी बी आपका 1 बाई टू है और पी ए इंटरसेक्शन बी 1 बाई ट्वेल्व है। तो आपको ये बताना है, बहुत इजी है, पहला फॉर्मूला लग जाएगा, आपको दिख रहा है साफ साफ, फर्स्ट फॉर्मूला यहां पर अप्लाई हो जाएगा। जल्दी से फर्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्मूला लगाते हैं तो ये कितना हो जाएगा बोलो, यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा, पहले वाले की प्रोबेबिलिटी प्लस दूसरे वाले की कर करने प्रोबेबिलिटी माइनस दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। अब आप अच्छे से जानते हो पी ए कितना है बच्चों, वन बाई थ्री होगा, प्लस पी बी कितना होगा बेटा वन बाई टू होगा, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा वन बाई ट्वेल्व, ये होगा एक बटे बारह।
यहाँ पर जब 12 एलसीएम लोगे तो 12 का मल्टीप्लाई करोगे 4 प्लस 12 का मल्टीप्लाई करोगे 6 माइनस 1, 4 और 6 10, 10 में 1 घटाओगे 9 बटे 12, 2 से सॉरी 3 से कट करेंगे, 3 3 9, 3 चौक 12, तो यहाँ पर लिखेंगे पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3/4, ये हमारा आंसर हो गया। देख लीजिए पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू आपका 3/4, बहुत आसान है क्वेश्चन, देख सकते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारे ढंग से सॉल्व किया गया है। आप इसे समझिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, तभी आप सीख पाओगे। आगे लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन को जरा दिमाग लगाइए, सॉल्व हो जाएगा मेरे बच्चों। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस आपको फंडा क्लियर कर लेना है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पी ए इज इक्वल टू 1/2 एंड पी बी इज इक्वल टू 1/3, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1/20, देन फाइंड पी ए बाई बी, पहला क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन पी ए पी बी बाई। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, क्लियर करिए यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को, क्लियर करिए। जब ये क्लियर होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए, फिर हम जल्द ही आपको जे एडवांस का भी क्वेश्चन देंगे, लेकिन पहले आप इन क्वेश्चन को क्लियर करो। तो क्या होगा बेटा, पी ए बाई बी, पहला क्वेश्चन है पी ए बाई बी, पी ए बाई बी इज इक्वल टू कितना होगा बोलो। तो यहाँ पर जरूरत पड़ेगी दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और डिवाइड में नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पी बी तो मालूम है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से। पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला है पी ए प्लस का पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर करो बेटा, पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी कितना होगा, 1/24 होगा बेटा, और पी ए हमारा होगा 1/2, पी बी हमारा होगा 1/3। देख लीजिए पी ए की जगह हमने 1/2 लिख दिया, पी बी की जगह हमने 1/3 लिख दिया, और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होगा बेटा, ठीक। तो ये वाला टर्म माइनस वाला इधर आ गया, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ये होगा 1/2 प्लस 1/3, ये वाला टर्म इधर आएगा, ये 1/24 उधर जाएगा, माइनस 1/24, और ये 24 एलसीएम आएगा, 24 का मल्टीप्लाई करोगे 12 प्लस 24 का मल्टीप्लाई करोगे 8 माइनस 24 का मल्टीप्लाई 1। तो यहां से कह सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा होगा बेटा कितना, 12 में 8 जोड़ोगे 20, 20 में 1 घटाओगे 19/24, ठीक है। तो अब हम यहां से पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है पी ए बाई बी, जो कि बहुत आसान है। तो यहां पर बी इवेंट हो जाएगी ए की प्रॉबिलिटी, तो दोनों के इंटरसेक्शन की प्रॉबिलिटी डिवाइड में नीचे वाले की प्रॉबिलिटी, और ये आप अच्छे से जानते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा 19/24 है, और पी बी हमारा कितना है मेरे बच्चों, पी बी कितना है बेटा, 1/3, 3 ऊपर चला गया, ये हो गया 19 × 3/24, 3 × 8 = 24, 19/8, जो कि गलत है, ये थोड़ा नंबर का मिस्टेक हो गया है यहाँ पर, और ये नंबर का मिस्टेक जो हुआ है इस कारण ये गलत आ रहा है, ठीक है। क्यों सर, क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होती, मैंने आपको बता दिया, फिर से आपको ध्यान रखना है, ये जो डाटा है ये रॉन्ग है, बट इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने इसे रेंडम ले लिया था, इसको चेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं, आपको इस समझ में आ गया। इसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी प्रॉबिलिटी ये 8 का डिवाइड करोगे तो एक से ज़्यादा आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमने क्या कहा, मेरी बात को समझो, ये जो आंसर है इस टाइप का कभी नहीं आ पाएगा, वो केवल नंबर का गड़बड़ हो गया है, ठीक है, आप उसको समझ लो बस, इसी तरह से पी बी बाई ए कैलकुलेट कर लोगे। तो चलिए हम आपको जे एडवांस 2017 क्वेश्चन देते हैं और देखते हैं कौन कौन बच्चा उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है। देखिए बेटा, आपके सामने क्वेश्चन लिखा है जे एडवांस 2017 का, और ये क्वेश्चन है हमारा एमओसी। सर ये एमओसी क्या होता है, मोर देन वन मे बी करेक्ट। बेटा जरा समझिए इस कॉन्सेप्ट को, जरा समझो क्या कहना चाह रहा है।
इसमें कह रहा है लेट कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई बी टू इवेंट्स। ये माना एक कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई दो घटनाएं हैं सच दैट इस प्रकार हैं, पी एक्स आपका 1/3 है, पी एक्स बाई वाई 1/2 है, पी वाई बाई एक्स 2/5 है। तो हमें ये चार ऑप्शन बताना है। यानी यहां पर जो ये जे एडवांस का क्वेश्चन है, आप बच्चों को बता दें इसमें कोई एक नहीं बल्कि चार में चारों सही हो सकते हैं, दो सही हो सकते हैं, तीन सही हो सकते हैं, एक सिंगल भी सही हो सकता है। तो ये मोर देन वन में भी करेक्ट है, यानी एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो आइए देखें कैसे होगा। सबसे पहले वाला क्वेश्चन ये ध्यान रखिए, इसका तो जवाब हमें मिल जाएगा। याद कीजिए अभी हमने जो फॉर्मूला लिखाया था आठवें नौवें नंबर पर, याद करो वो ए बाई बी करके था। तो कोई भी हो, कुछ भी हो, लेटर इवेंट है ए बार, ये क्या बताया था 1-PA/B। तो ये वाला ऑप्शन सही है कि नहीं भैया, इसको निकालो अगर इतना आ रहा है इसको, मतलब ठीक है। तो याद कीजिए पी एक्स बाई वाई इज इक्वल टू कितना है मेरे बच्चों, बार 1-PX/Y। और ये आपको दिया है 1-PX/Y कितना है, उधर देखो 1/2, 2 LCM आएगा तो 2-1, 1/2। तो यहां से कह सकते हो पी एक्स बार डिवाइड में वाई हमारा 1/2 आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है। ये तो क्लियर हो गया। अब पी एक्स इंटरसेक्शन वाई जरा देखेंगे, 1/5 यूनियन, सारे तमाम सारे ऑप्शन हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे। चलो इसको मिटा दे रहे क्योंकि ये तो हो गया भैया, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब ये बताइए बेटा, सबसे पहले मुझे ये बताओ यहां पर एक्स बाई वाई को अगर बात करेंगे तो क्या होगा। बहुत इजी है, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइड में नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी, ये आपको गिवन है 1/2। देखो पी एक्स बाई वाई आपका 1/2 है बेटा, और ये होगा, ये मालूम नहीं है एक्स इंटरसेक्शन वाई मालूम नहीं है, डिवाइड में पी वाई आपको मालूम है, पी वाई भी आपको निकालना है। चलो भाई इसको नंबर कह दिया फर्स्ट, देख लिया जाएगा। और दूसरा जो है पी वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स का मतलब दोनों के इंटरसेक्शन की प्रॉबिलिटी, तो इसे लिखेंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई डिवाइड में नीचे वाले की प्रॉबिलिटी, ठीक है। और पी वाई बाई एक्स आपको 2/5 दिया हुआ है, और यहां से एक्स इंटरसेक्शन वाई निकलने वाला है कैसे, पी एक्स आपको गिवन है, देखो पी एक्स आपको गिवन है 1/3, तो ये वाला इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से कह सकते हैं, यहां से कहा जा सकता है पी एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू ये 1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2/5 × 1/3। तो यहां से कहेंगे पी एक्स इंटरसेक्शन वाई हमारा कितना होगा मेरे बच्चों, 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2, 5 का 3 में मल्टीप्लाई 5 15, जो कि ये ऑप्शन भी गलत हो गया, बी ऑप्शन गलत हो गया, ए ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन गलत है। इस ऑप्शन को हम ये वाली जो वैल्यू है इसको फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहां पर पी वाई आ जाए। अच्छा यहां से पी वाई कितना होगा पहले बताइए, अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो पी वाई टू के साथ मल्टीप्लाई होगा, पी एक्स इंटरसेक्शन वाई हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको गिवन है पी एक्स इंटरसेक्शन वाई आपका 2/15 है, तो जिस कारण ये 2 में 2 का मल्टीप्लाई होगा 4/15, तो हमारा जो पी वाई होगा मेरे बच्चों वो 4/15। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा डी भी सही है, देख लो पी वाई आ गया। अब अगर हमें पता करना है x यूनियन y, तो यार ये तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, x यूनियन y उस फॉर्मूले से निकाल लीजिए, पी एक्स प्लस पी वाई माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन y, क्योंकि सब आपके सामने है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसानी से आ जाएगा। क्या होगा बोलो, यहां पर लिखेंगे पी एक्स यूनियन y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस का पी वाई माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन y। तो पी एक्स कितना है बेटा 1/3 है, प्लस पी वाई कितना है मेरे बच्चों 4/15 है, माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई होगा 2/15, तो 15 LCM आएगा बेटा, 15 का मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा पी एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 5 में 4 जुड़ोगे 9, 9 में 2 घटाओगे 7 डिवाइड में 15। तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ये 7/15 आना चाहिए जबकि उधर दिया है। इसका मतलब इसका जो हमारा आंसर होगा मेरे बच्चों, आंसर जो होगा ये होगा ए एंड डी। कितना इजी क्वेश्चन।
देख सकते हैं कितना सिंपल है। और ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2017 यानी आईआईटी जेई, आईआईटी के नाम से फेमस, ठीक है, जिसका नाम जेई एडवांस हो गया है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको ये फंडा क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए कुछ और पॉइंट्स लिख देते हैं, कुछ और पॉइंट्स बता दें, इनके बारे में डिटेल बाद में आपको बता देंगे। क्या होती हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्या होती हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये आपको डिटेल बाद में बता दी जाएगी। अभी आप फिलहाल नोट कर लीजिए, अभी आप नोट कर लीजिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स और आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या हैं, इसको हम अगले लेक्चर में आपको डिस्कस करेंगे। चलिए तो यहाँ पर संडे को लेक्चर मिलेगा, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। लिखिए बेटा, पहला पॉइंट है, बहुत अच्छे से देखिएगा, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट। देखिए जरा बेटा क्या होता है, जरा समझो। क्वेश्चन में अगर हमने लिख दिया इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, नोट कर लीजिएगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स, बाद में इसको डिटेल में बताएंगे होती क्या है बाद में, ये बात की बात है, अभी फिलहाल ये याद रखेंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब है स्वतंत्र घटनाएं, तो ये हमारी बेटा स्वतंत्र घटनाएं हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या होगा, जरा समझो, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो ये होगा ए की प्रोबेबिलिटी इनटू बी की प्रोबेबिलिटी। ध्यान रखना है यहां पर कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि जब हमारा इंटरसेक्शन साइन होगा बेटा, तो इंटरसेक्शन साइन किससे रिप्लेस हो जाएगा, इनटू से रिप्लेस हो जाएगा। इसको जरा समझो, पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए की प्रोबेबिलिटी इनटू और ये बी की प्रोबेबिलिटी। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, ए और बी हमारी स्वतंत्र घटनाएं हैं, जब भी ए और बी हमारी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगी तो ए की प्रोबेबिलिटी इनटू इंटरसेक्शन इनटू हो जाएगा और बी की प्रोबेबिलिटी, ये हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगा। ए और बी हमारी स्वतंत्र घटनाएं, तो ध्यान रखना इंटरसेक्शन वाला सिंबल इनटू से रिप्लेस हो जाएगा, इतनी बात आपको याद रखनी। ए और बी हमारी अगर स्वतंत्र घटनाएं, नंबर सेकेंड हो गया, इसको एक्सटेंशन कर देते हैं, चलो एक्सटेंशन कर दिया जाए। ध्यान रखना अगर सवाल में लिखा है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो आपको ये डायरेक्ट यूज कर लेना है, पी ए इंटरसेक्शन इनटू से रिप्लेस होना है। एक्सटेंशन क्या होगा जरा समझो, एक्सटेंशन में ये है कि मान लो कई सारी इवेंट है उनके लिए भी आ गया, एक्सटेंशन मतलब इस कॉन्सेप्ट को और विस्तार करके बना दिया कि अभी तक दो इवेंट की बात हो रही है, दो नहीं चाहे हजारों लाखों करोड़ों, अगर वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं उनके लिए बात है, ठीक है। ये हमारी E3 है बेटा, ये E4 है, डॉट 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 डॉट, ये हमारी nth इवेंट्स होंगे, ये क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ये हमारी क्या है बच्चों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, स्वतंत्र घटनाएं। अगर ये स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ध्यान रखिए इंटरसेक्शन वाला जो सिंबल होगा, इंटरसेक्शन वाला जो सिंबल होगा मेरे बच्चों, वो इनटू से रिप्लेस हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी इनटू, इनटू लगा दी, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी, फिर इनटू, फिर इसकी सॉरी E2 E3, इंटरसेक्शन वाला साइन इनटू से रिप्लेस होगा, E3 E की थ्री की प्रोबेबिलिटी डॉट डॉट इनटू इनटू डॉट डॉट डॉट, और ये इनटू और EN की प्रोबेबिलिटी, ये हो गया बेटा E1 की प्रोबेबिलिटी, फिर इनटू इंटरसेक्शन इनटू E2 की प्रोबेबिलिटी, फिर इनटू फिर E3 की प्रोबेबिलिटी, इस तरह से चलता चला जाए। लेकिन ध्यान रहे ये फंडा तभी लगेगा जब हमारी इवेंट्स कैसी होंगी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगी, स्वतंत्र घटनाएं होंगी, ठीक है। अब ये क्या होती है इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इस पर हम बात करेंगे बाद में, ठीक है, नेक्स्ट संडे वाले लेक्चर में बात करेंगे। ए एंड बी, संडे को भी आपको दो तीन घंटे का लेक्चर मिलेगा, बड़ा मजा आ जाएगा। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जिसे हम शॉर्टकट में एम डबल ई लिख सकते हैं, इसे कहेंगे परस्पर अपवर्जी घटनाएं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं, नोट कर लीजिए परस्पर अपवर्जी घटनाएं, ये हमारी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। तो ये क्या होगा बेटा, यूनियन वाला साइन प्लस से रिप्लेस हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए,
अगर ए और बी हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, एम डबल ई है, तो यूनियन वाला साइन प्लस से रिप्लेस होगा, ए की प्रोबेबिलिटी प्लस फिर बी की प्रोबेबिलिटी, ये हमारा पी ए यूनियन बी होगा, ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और इसका एक्सटेंशन की बात करेंगे, यानी और इसका विस्तार कर दिया जाए तो बहुत गजब हो जाएगा। ई वन और ये ई टू, ई थ्री, ई फोर, डॉट 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 डॉट, ये हमारी एन इवेंट्स हैं। ये सब क्या हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब परस्पर अपरजी घटनाएं बेटा, परस्पर अपरजी घटनाएं। तो ध्यान दीजिए, इसमें जितने भी यूनियन सिंबल लगे हैं सब प्लस से रिप्लेस हो जाएंगे, यही हम बताना चाहते हैं। तो इसमें क्या होगा बोलो? इसकी प्रोबेबिलिटी फिर प्लस, यूनियन की जगह प्लस, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी, फिर प्लस, यूनियन की जगह प्लस हो जाएगा, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी। ऐसे जितने भी यूनियन सिंबल हैं सभी हमारे प्लस से रिप्लेस हो जाएंगे। इसको नोट करिए जल्दी से, ये हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए लगेगा और ये स्वतंत्र घटनाओं के लिए लगेगा। ऊपर वाला इंटरसेक्शन साइन इन टू से रिप्लेस होगा और यूनियन वाला साइन प्लस से रिप्लेस होगा, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो प्लस, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी, फिर प्लस, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी, ऐसे करते चलते चले जाएंगे। जल्दी से नोट करिए, फटाफट नोट करिए भाई। अब आइए देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसी पर जो हमने बताया है, इंडिपेंडेंट इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इन पर हम कुछ क्वेश्चन बात करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन, आइए देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो। यदि ए तथा बी, यदि कैपिटल ए तथा कैपिटल बी स्वतंत्र घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ए इज इक्वल टू 1/5, पी बी इज इक्वल टू 1/2, तो पी ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। आइए देखिए इसको समझते हैं कैसे हो। ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं इस प्रकार हैं, पी ए इज इक्वल टू 1/5, पी बी इज इक्वल टू 1/2, तो पी ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। देखो बेटा कैसे होगा, जरा समझो। पी ए यूनियन बी आप लिख सकते हो, पी ए, ए की प्रॉबिलिटी वही फॉर्मूला, प्लस बी की प्रॉबिलिटी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब एक काम करेंगे, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, आपको ये गिवन है, पी ए गिवन है 1/5, पी बी भी गिवन है 1/2। अब आप कहोगे सर ये तो दिया नहीं, लेकिन ये जो लाइन लिखी है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और अभी आपको मैंने बताया था ए एंड बी अगर क्या होंगी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे बेटा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। जरा ध्यान दीजिए, अगर ये हमारी स्वतंत्र घटनाएं हैं, अगर ये हमारी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो मैंने क्या कहा, इंटरसेक्शन वाला सिंबल किससे रिप्लेस हो जाएगा, इनटू से रिप्लेस हो जाएगा, पी ए इनटू पी बी, ये आपको ध्यान है। तो यहां पर जो इंटरसेक्शन लगाओगे वो इनटू से रिप्लेस हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, यहां पर जो इंटरसेक्शन वाला सिंबल है वो इनटू से रिप्लेस हो जाएगा। पी ए की वैल्यू रख दोगे 1/5, पी बी की वैल्यू रख दोगे 1/2, माइनस पी ए इनटू पी बी, तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस 1/2 माइनस पी ए की जगह रखोगे 1/5 इंटू 1/2, तो यहाँ पर 10 एल से 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 10 का मल्टीप्लाई करोगे 2 प्लस 10 का मल्टीप्लाई करोगे 5 माइनस 10 का मल्टीप्लाई 1, 5 में 2 जोड़ोगे 7, 7 में घटाओगे 6/10, 2 दिया 6, 2 पंजे 10, तो पी ए यूनियन बी मेरे बच्चों हो जाएगा 3/5। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन दिया है, इसमें हमने वो नहीं दिया है, ध्यान रखिए, इंडिपेंडेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कुछ नहीं लिखा है, तो जरा ध्यान रखना है इस चीज़ का, ये नहीं कहीं भी लगा दो आप सवाल में, पहले पढ़ लिया करो। ए तथा बी, यदि ए तथा बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि सच दैट, यानी इस प्रकार हैं कि पी ए आपको 6/11 दिया है, पी बी आपको 5/11 दिया, पी ए यूनियन बी 7/11 दिया है। केवल ये क्वेश्चन इसलिए दिया है, जो हमने आपको 9 फॉर्मूले सिखाए हैं उनकी थोड़ा आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो यहां पर मेरे बच्चों सबसे पहले ये बताइए, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस का पी बी और माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर हो जाना चाहिए। आप ये बताइए पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? तो यहां से आप निकाल सकते हो, पी ए यूनियन बी आपको 7/11 दिया हुआ है, पी ए आपको, देखो पी ए आपको 6/11 दिया हुआ है,
पी ए इज इक्वल टू 6/11 प्लस पी बी आपको गिवन है 5/11 और ये होगा माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी इधर आएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6/11 प्लस 5/11 और माइनस 7/11। तो 11 एलसीएम लोगे 6 + 5 - 7 तो यहाँ से आएगा बेटा पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 6 में 5 जोड़ो 11, 11 में 7 घटाओगे 4/11। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा 4/11। आइए दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पी ए बाई बी। तो आप अच्छे से जानते हो पी ए बाई बी का मतलब है दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और डिवाइड में जो नीचे लिखा हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी। और पी ए इंटरसेक्शन बी आपके सामने लिखा है 4/11 और डिवाइड में पी बी कितना है मेरे बच्चों 5/11। तो ये ऊपर जाएगा नीचे रहे 11 से 11 कैंसिल, तो पी ए बाई बी इज इक्वल टू हो जाएगा 4/5। नंबर थर्ड क्वेश्चन कैसे होगा बेटा, पी बी बाई ए कितना होगा बोलो, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। तो हम इसे ऐसे ही लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड में जो नीचे लिखा हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी। और पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है बोलो, ये आपके सामने है 4/11 और डिवाइड में पी ए कितना है मेरे बच्चों, पी ए आपके सामने दिया 6/11, ये 11 ऊपर चला गया और ये नीचे वाली 11 से कटेगा 4/6, 2 × 4 = 6। तो पी बी बाई ए हमारा हो जाएगा 2/3। ठीक है, इसे नोट करिए जल्दी से। देखो क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी हमारी परस्पर अपवर्जी घटना है, यदि ए तथा बी क्या है परस्पर अपवर्जी घटना है, अपवर्जी घटना है, ध्यान रखिए बेटा परस्पर अपवर्जी घटना है। पी ए हमारा 1/4 है, पी बी हमारा 1/3 है। तो यार ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू होगा पहले वाले की प्रोबेबिलिटी प्लस यूनियन की जगह प्लस फिर दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी। पी ए की वैल्यू रख दोगे 1/4 प्लस पी बी की वैल्यू रख दोगे 1/3, एलसीएम लोगे 12, 3 इधर आएगा प्लस 4 इधर आएगा और 4 में 3 जोड़ोगे 7/12। तो ये हमारे बच्चों यहाँ तक का हमारा पहला लेक्चर आज कंप्लीट है। उम्मीद करेंगे आपको ये पसंद आया है। आप सभी बच्चे, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिखेगा, आपको एक सीट मिलेगी, एक पेज होंगे उसमें 16 क्वेश्चन होंगे और उन्हीं के नीचे उनके आंसर भी होंगे। तो आप ज़रूर उनको ट्राई कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।